नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक और चमत्कारी पेड़ और उसके तांत्रिक और औषधीय प्रयोगों के बारे में, और ये पेड़ है पीपल का। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने बरगद के पेड़ के बारे में जाना था कि उसका किस प्रकार से तांत्रिक और औषधीय महत्व है, इसी तरह पीपल का भी बहुत ही अधिक तांत्रिक और औषधीय प्रयोग माने जाते हैं। पीपल को आज से नहीं, कई सौ सालों से पृथ्वी पर सबसे अच्छा पेड़ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी जो बात है वो ये है, यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जो अपने चारों ओर लगभग कई किलोमीटर के दायरे में शुद्ध ऑक्सीजन फैला देता है, यानी कि पूरा वो क्षेत्र ही शुद्ध वो कर देता है। इसीलिए इसको देवता या देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। इसके सात्विक प्रभाव से जो आपकी जो अंतः चेतना है वह प्रसन्न हो जाती है। स्कंद पुराण में ये कहा जाता है कि अश्वत्थ यानी कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। इसी प्रकार पीपल के तने में भगवान केशव का स्थान माना जाता है। शाखाओं में भगवान नारायण का स्थान माना जाता है। पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी प्रकार के देवताओं का स्थान माना जाता है, जिसमें अच्युत सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार से आप यह मान सकते हैं कि भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप अगर पृथ्वी पर कोई वृक्ष है तो वह स्वयं पीपल का वृक्ष माना जाता है। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत्व और मूर्तिमान स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण देव जी ने भी इसके बारे में बहुत से ऐसी बातें हैं जो कही हैं। उन्होंने कहा है, जब आप गीता पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें कहा है कि समस्त वृक्षों में अगर मुझे कोई वृक्ष मानते हो तो वह मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को पीपल के वृक्ष से तुलना करवाई है, यानी कि ईश्वर जब स्वयं अपनी तुलना किसी वृक्ष से करवा रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना अधिक महत्व का वृक्ष है। स्वयं भगवान ने जब इस चीज की उपमा दी तो सभी देवी देवताओं ने उस पेड़ पर निवास करके उसे देवत्व और दिव्यता स्वयं प्रदान की है। कहा जाता है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से, यानी कि विधि पूर्वक अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं, यानी कि कहीं आपको अलग से किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, सभी देवी देवताओं की पूजा इससे होने लगती है। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कहते हैं कभी नहीं नष्ट होती है। यह एक विशेष बात है कि अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो आप में अगर वंश में आपके समस्याएं हैं या किसी वजह से पुत्रों की उत्पत्ति में समस्या है, या यूं कहिए कि आपकी वंश परंपरा उच्चतम स्थिति को नहीं प्राप्त कर रही है, समृद्धि को नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो वह जो समस्या है वो सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर जरूर लगाना चाहिए। और वैसे भी कहा भी जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, यानी कि एक वृक्ष की कीमत 10 पुत्रों के बराबर होती है, क्योंकि पुत्र इतनी सेवा नहीं करता जितनी कि एक पेड़ करता है। और फिर अगर वह पेड़ पीपल का हो तो इससे अधिक उत्तम क्या हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि पीपल की सेवा करने से व्यक्ति की सदगति होती है और वह निश्चित रूप से स्वर्ग को जाता है। पीपल वृक्ष की प्रार्थना के लिए जो अश्वत्थ स्त्रोत है उसमें पीपल की प्रार्थना का मंत्र दिया गया है। तो अश्वत्थ स्त्रोत जो है वो पीपल के लिए विशेष रूप से उसकी सिद्धि के लिए बनाया गया है। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वृतराज में, जो अश्वत्थोपासना में पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख अच्छी प्रकार से किया गया है। जो अश्वत्थोपैनन व्रत में महर्षि जो है शौनक जो होते हैं उन्होंने इसके महत्व का वर्णन उस ग्रंथ में किया है और कहा है कि यह अद्भुत वृक्ष है। अथर्ववेद के उपवेद यानी कि आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग और वर्णन किया गया है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र, तंत्र और जप, ध्यान इत्यादि करने से सभी प्रकार के
संस्कारों को पवित्रता प्राप्त होती है, उन्हें शुभ माना जाता है। ये कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि द्वापर युग में परम धाम जाने से पूर्व, यानी कि जब मोक्ष के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब योगेश्वर जब पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए थे, उसी वक्त जो है उनकी यूं कहे कि उन्होंने उस लोक के लिए गमन किया था, यानी गोपाल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वहां से ही गमन किया था, तो उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे थे। आप लोगों ने इसके बारे में भी अच्छी तरह से जाना होगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर के बहुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, विशेष प्रकार की यक्षिणियां, विशेष प्रकार के भूत प्रेत विद्याओं को सिद्ध करना, विभिन्न प्रकार की शक्तियों को जो दुर्लभ शक्तियां हैं उनको सिद्ध किया जाता है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके। बहुत सी ऐसी तांत्रिक साधनाएं हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर संपन्न की जाती हैं। यज्ञ में जो प्रयुक्त होने वाला जो उपभृत पात्र है, जिसे दूर्वी स्त्रुवा इदिया कहते हैं, जो पीपल की काष्ठ से ही वो बनाई जाती है, पीपल की जो छाल होती है पीपल से ही उसका निर्माण किया जाता है। पवित्रता की दृष्टि से यज्ञ में उपभोग की जाने वाली जो संविधाएं हैं उसमें भी आम और पीपल का ही इस्तेमाल किया जाता है। हवन किया जाता है, यानी यज्ञ में अग्नि स्थापना के लिए ऋषिगण जो है पीपल की लकड़ी यानी काष्ठ जिसे कहते हैं और शमी की लकड़ी की रगड़ से अग्नि प्रज्वलित किया करते थे, यानी पुराने जमाने में यही दोनों वृक्षों को आपस में रगड़ करके जो आग है वो पैदा की जाती थी हवन कुंड के लिए। ग्रामीण संस्कृति में आज भी लोग पीपल की नई कोपलों में निहित जीवनदायी गुणों का सेवन कर उम्र के अंतिम पड़ाव में जो है सेहतमंद बने रहते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल जब किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सेहत बढ़ती है आदमी की, क्योंकि पीपल आप स्वयं में जानते हैं कि बहुत ही उत्तम एक वृक्ष है। तो आपने जान लिया कि किस प्रकार से ये विशेष तरह का एक वृक्ष है। ये ज़्यादातर जो है हमारे देश में, भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, चीन में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारतीय संस्कृति और पूजा के लिए विशेष रूप से इसका महत्व माना जाता है। कहते हैं कि बीज जो है वो इसके जो होते हैं वो राई के दाने के बराबर होते हैं, परंतु वृक्ष जो है बहुत ही विशालता होता है और सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहने की इसकी क्षमता होती है। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर कोमल और चंचल होते हैं। वसंत ऋतु में इस पर धानी रंग की नई ओपले आने लगती हैं। पीपल के पत्ते जानवरों को चारे के रूप में भी खिलाए जाते हैं, विशेष रूप से हाथियों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, और पीपल की लकड़ी जो है वो ईंधन के भी काम में आती है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए पीपल बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। कहते हैं पीलिया, रतौंधी, मलेरिया, खांसी, दमा, सर्दी, सिर दर्द, इन सब में पीपल की टहनी, लकड़ी, पत्तियों, कोपलों और सीकों का प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के जो है लाभ प्राप्त होते हैं। पीपल के नीचे बहुत सारे जो है तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं, जिसमें यक्षिणी की सिद्धि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हालांकि उसके बारे में मैं अलग से वीडियो धर्म रहस्य चैनल पर बनाता हूँ, वहाँ जा कर के पीपल के नीचे कौन सी यक्षिणी की सिद्धि की जा सकती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई छोटे छोटे ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से हम पीपल के नीचे विभिन्न प्रकार की साधनाएं बहुत ही सरलता से टोटकों के रूप में कर सकते हैं, जिनसे धन की प्राप्ति और बेहतर स्वास्थ्य और ग्रह बाधा नष्ट होती है। ये कहा जाता है कि अगर आपको ग्रह दोष निवारण करना है तो पीपल के नीचे शिवलिंग की आपको स्थापना कर देनी चाहिए, वहां पर जाकर के नित्य पूजा करनी चाहिए, जिससे आपकी ग्रह दोष की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। शनिवार के दिन सूर्योदय के समय, जिसमें बिल्कुल सूरज उग रहा हो, पीपल पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करने से शनि देव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। यह प्रयोग उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनके ऊपर 7.5 या वक्री दृष्टि वगैरह इस तरह की कोई समस्या शनि की वजह से आ रही होती है। धन प्राप्ति के लिए भी पीपल के टोटके किए जाते हैं। पीपल का जो है पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के घर में स्वतः ही सुख और समृद्धि जो है बढ़ती चली जाती है।
लेकिन हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीपल का जो पेड़ है वो आपको घर से थोड़ी दूर पर लगाना चाहिए, क्योंकि इस पर कहते हैं देवताओं का भी वास होता है और भूत प्रेतों का भी वास होता है, तो नेगेटिव एनर्जी भी जब आएंगी वहां पर, इस वजह से आपको अपने घर से उसकी दूरी बना के रखनी चाहिए। प्रतिदिन सायंकाल शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती चली जाती है। इसी प्रकार आप व्यापार के लिए भी विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप मंगलवार के दिन सुबह पीपल के 11 पत्ते लें और उस पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को आपको चढ़ा देना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे व्यापार को एक बार फिर से बढ़ा दीजिए, जिस प्रकार आपने राम नाम के आधार पर सारा काज कर दिया था। तो इससे कहते हैं कि व्यापार में आ रही समस्त बाधाएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पितृदोष निवारण के लिए भी पीपल का टोटका किया जाता है, यानी कि प्रतिदिन अगर पीपल में गाय का दूध, तिल और चंदन मिश्रित करके जल चढ़ाएंगे आप पीपल को, तो निश्चित रूप से कहते हैं पितृदोष दूर होता है और पितृ आपके प्रसन्न होते हैं। इस पूजा से पितरों को लाभ प्राप्त होता है और इसी वजह से जो स्वर्ग में या किसी भी लोक में अगर आपके पितर फंसे हुए हैं तो उनकी भी गति उत्तम होती चली जाती है। तो यह था पीपल के संबंध में आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।